बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 80 के दशक के महान एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्होंने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्में की हैं और जिनमें 150 से अधिक फिल्में जो है सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं, ब्लॉकबस्टर रही हैं। और धर्मेंद्र सिंह देओल हमेशा से ही बॉलीवुड और साथ ही अपने फैंस की नजरों में एक ऐसे एक्टर के तौर पर देखे गए हैं जिन्होंने न सिर्फ टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि अपने फैंस के लिए भी बहुत कुछ किया है। और आपको बता दें कि इस वक्त धर्मेंद्र सिंह देओल जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आइसोलेट हैं, और ऐसे में उनके फैंस लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेगुलर और रूटीन चेकअप के लिए धर्मेंद्र सिंह देओल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर उनका बीपी, शुगर और साथ ही बताया जा रहा है कि उनके वजन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रूटीन चेकअप से हटाकर आइसोलेट किया गया है। उन्हें सांस लेने में भी काफी समय से दिक्कतें आ रही थी। दोस्तों, जब से धर्मेंद्र सिंह देओल को आइसोलेट किया गया है, फैंस की आंखें नम हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर इस एक्टर को हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिलेगी और कब ये हमें एक नए प्रोजेक्ट में देखने मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही हमने कृतिका सेंगर और धर्मेंद्र सिंह देओल को शाहिद कपूर के साथ एक नए प्रोजेक्ट में देखा था, जो कि काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपको? अगर अब तक आपने धर्मेंद्र सिंह देओल के अच्छी सेहत की कामना करते हुए कमेंट में गेट वेल सून नहीं लिखा है, तो कमेंट के जरिए गेट वेल सून जरूर लिख दें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।